बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटे से छोटी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्य का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। शेर और लकड़हारा की कहानी। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी तोड़ने गया। वहां किसी झाड़ी की आंग में शेर बैठा था। लकड़हारे ने उसको नहीं देखा और वह सीधा उसके सामने चला गया। शेर को देखते ही लकड़हारा चिल्लाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब उसको होश आया तब उसने आंखें खोली। शेर को उसकी जगह पर चुपचाप बैठा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शेर अपना पंजा बार बार उठाता और रखता था। लकड़हारे ने देखा कि उसके पंजे में कांटा चुभा हुआ है। वह साहस करके उठा और शेर के पास जाकर उसने उसके पंजे में से कांटा निकाल दिया। कांटा निकल जाने पर शेर वहां से उठा और जंगल में चला गया। लकड़हारा लकड़ी लेकर अपने घर चला आया। कुछ दिनों के बाद राजा की शिकारियों ने उस शेर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। उसके थोड़े दिनों बाद उस लकड़हारे को राजा ने किसी बुरे काम के कारण मार डालने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि लकड़हारे को शेर के पिंजरे में डाल दो, शेर का पेट भी भर जाएगा और हमारी आज्ञा भी पूरी हो जाएगी। लकड़हारा बेचारा शेर के पिंजरे में ढकेल दिया गया। राजा और उसके सब दरबारी ये तमाशा देखने के लिए पिंजरे के पास खड़े हुए। पहले तो शेर बड़े जोर से गरज कर लकड़हारे पर झपटा, परंतु पास आने पर जब उसने उसे पहचान लिया तब वह लकड़हारे का हाथ चाटने लगा। राजा और उसके सब दरबारी ये देखकर बड़े चकित हुए। राजा ने लकड़हारे को पिंजरे से बाहर निकलवा लिया और पूछा, शेर ने तुमको क्यों नहीं खाया? लकड़हारे ने अपनी और शेर की कहानी राजा को सुनाई। राजा बहुत खुश हुआ, उसने लकड़हारे के अपराध को क्षमा कर दिया। शिक्षक, भलाई करने वाले को कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलता है। जैसे शेर के पंजे से कांटा निकालने के बदले में लकड़हारे की जान बच गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।